अब बहू रोज देख रही है कि भिखारी आ रहा है और सास के पास सब कुछ है, नहीं भाग यहां से, आ गया मुस्टंडा मांगने चले आते हैं, कोई नहीं कुछ नहीं मेरे घर में। तो एक दिन सासू माँ घर में थी नहीं और भिखारी आ गया। बहू ने सोचा मेरी सासू माँ कहती है नहीं है घर में तो मुझे भी ऐसे ही बोलना है, बोली नहीं है घर में। भिखारी बेचारा चला गया, रास्ते में मिला भिखारी उसकी सासू को, तो कहती है कहाँ गया था, बोले आप ही के घर गया था। तो बोले आपकी बहू ने कहा घर में कुछ नहीं है, उसने कहा वो कौन होती है ये कहने वाली घर में कुछ नहीं है। और भिखारी को ले गई वापिस, बोले उसकी ऐसी तैसी आते ही मालिक बन गई। और भिखारी बेचारा सोच रहा है आशा से भर के कि अब कुछ मिलेगा, और फिर गई जाके पहले लड़ना शुरू किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मना करने की, मेरे रहते तू मना करेगी, काट डालूंगी तेरी जुबान। बेचारी बहू बोली माँ जी आप ही तो मना करती रहती हैं, इसलिए मैंने भी मना कर दिया, मैं करूं तो करूं पर तू कौन होती है मना करने वाली। और भिखारी कहता है माता जी लड़ो मत मुझे कुछ दे दो, तो उसने कहा हाँ अब मैं कहती हूँ कुछ नहीं है जा यहां से। ऐसी मुड़ता कमाल है, हद हो गई भाई, अरे जीना सीखो। तुम कहते हो फलाने ने मेरा मूड ऑफ कर दिया, वो मुझे बोलता नहीं है, आपके तो मूड की चाबी औरों के हाथ में है, हद है भाई, कोई ऑन कर देता है आपको और कोई ऑफ कर देता है आपको, इतने पुतले हो क्या मिट्टी के, ज्यादा तो नहीं हो गई डोज, आगे बढ़ू। अच्छा छोड़ो तुम मिल्कियत मत छोड़ो पर मालकियत तो छोड़ो, हा? जरूरी नहीं है तुम किसी आश्रम में जाओगे तो बड़े गुल खिलाओगे, वहां भी अध्यक्ष विध्यक्ष बन के कुछ राजनीति शुरू कर दोगे, आश्रमों में कोई कम राजनीति होती है, इसलिए छोड़ो जरा इधर उधर कहीं जाने की, घर में रहो पर मालिक बनके। मैंने ऐसे भी देखे हैं लोग के अपने बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपी और फिर समाज के काम में लग, हाथ में माला पकड़ ली, सीताराम सीताराम, जैसा मिल गया वैसा स्वीकार है, स्वीकृति का भाव आ जाना चाहिए। इसलिए जीवन को सुखी करने का क्या तरीका है, स्वीकृति में सुख है, बोलो बोलो ना, बोलती नहीं है, स्वीकृति में सुख है, बोलो बोलो ना। बोले दीदी माँ बहुत आफत है, मैंने कहा क्या हो गया, बोले बहू ले आया मेरे सामने, कहते इस लड़की से मैं ब्याह करूंगा, और बोले दीदी माँ इतनी बुरी थी बिल्कुल ताड़का जैसी थी, और मेरे मुंह से निकल गया हाय हाय ये तो जरा भी सुंदर नहीं, बोले किया उसने उसी से ब्याह, अब बहू को आए 20 साल हो गए, दुनिया में कहीं की भी बात हो रही हो, मान लो रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात हो रही हो, वो बाद में बहू ये जरूर कहती है मैं कोई सुंदर थोड़ी हूं, मैं कोई सुंदर थोड़ी हूं, बोले एक दिन में मैं 1000 बार सुन लेती हूं कि मैं कोई सुंदर थोड़ी हूं। तो मैंने कहा उस समय अपनी जुबान पे काबू कर लिया होता तो ये 20 साल का दंश ये जो रोज रोज सुनते हो ना, लेकिन मन में आ गया इसलिए बोल दिया, अरे सोच लेती कि वो वही करेगा जो उसने सोचा है, और अगर उसको उसी ताड़का में अप्सरा मेनका दिखाई दे रही है तो तू राजी हो जा, स्वीकृति में सुख है, बोलो बोलो ना, तो व्यवहार में आएगा, व्यवहार में आएगा, स्वीकृति तो होती है ना तुम्हें। हमने कहा ये तुम्हारा घर वाला ये रात को सोता है लगता है जैसे जनरेटर चल रहा हो, इतने खुर्राटे भरता है कैसे सोती हो, बोले दीदी माँ जैसे ही ये शुरू होते हैं मैं सोचती हूँ लोरी सुनाई जा रही है और मैं आराम से सो जाती हूँ, इसका अर्थ है स्वीकृति में सुख है, बोलो बोलो स्वीकृति में सुख है। संबंधों में अगर सुख पाना है तो स्वीकार भाव में रहो और धन्यवाद का भाव रखो।